हजार एक हदीस पाक इसी ताल्लुक से सवाल करते हुए चले मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरजुल मौत में, मरजुल मौत का मतलब यानी जब सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी दिनों में बीमार हुए उसको बोलते हैं मरजुल मौत या अय्याम अलालम। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरजुल मौत में यानी आपके आखिरी दिनों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जमात से नमाज पढ़ाया करते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जमात कराया करते थे हदीस में आया है कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अय्यामे अलालत में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 17 नमाजें पढ़ाई। कितनी नमाजें? 17 नमाजें आपने पढ़ाई, इमामत फरमाई 17 नमाजों। जब मेरे आका बीमार हुए आगे हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं यहां तक के पीर के दिन तमाम सहाबा सफे बांधे हुए नमाज पढ़ रहे थे। पीर के दिन तमाम सहाबा सफे बांधे हुए नमाज पढ़ रहे थे तो अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा उठाया। सुभान अल्लाह। हुजरे आयशा में आप रहते थे ना हजरत आखिरी दिनों में हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे में आप कयाम पजीर थे। जो मस्जिद नबी है मस्जिद नबी में साइड में ही आपके हुजरे थे कि आप निकल के अंदर आ जाया करते थे मस्जिद के अंदर। तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा उठाया फिर खड़े होकर हमारी तरफ देखा। अब उसके बाद देखिए ये जो जुमला आने वाला है हदीस पाक का। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे का पर्दा उठाया फिर खड़े होकर हमारी तरफ देखा। अब जाहिर सी बात है पूरी सफे थी सहाबा इकराम की सब नमाज पढ़ रहे थे। फरमाते हैं उस वक्त आपका चेहरे मुबारक कुरान के वरक की तरह लग रहा था। अब यहां पे एक चीज मैं अर्ज करता हुआ चलूं अगर हम आप नमाज पढ़ रहे हैं और चेहरे को किबले से फेर दें तो नमाज नहीं होगी फासिद हो जाएगी ना चेहरे को फेरने से। मगर यहां देखें हदीस पाक में देखें कि सहाबा उनकी तरफ देखने लगे उनकी तरफ चेहरा कर लिया और ऐसा चेहरा करके नजरों से नजरें मिलाई कि पूरा रुखे अंदर आपका देख लिया और उसकी तस्वीर भी उतार ली कि ऐसा महसूस हो रहा था पैगंबर इस्लाम का चेहरा कि जैसे कुरान का वर्क दिखाई दे रहा है। सबने देखा किसी की नमाज न टूटी। यहां ये मालूम होता है
कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो हैं मगर हमारे जैसे नहीं है। आपके सामने चेहरे घुमाए गए, आपको तो हुक्म दे देना चाहिए तुम्हारी सबकी नमाजें खराब हो गई दोबारा पढ़ो, मगर आगे देखो अभी से पाक में आप पता ही चला नमाज जो सिर्फ और सिर्फ बंदे और अल्लाह के दरमियान का रिश्ता है नमाज और सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मगर आलम यह है कि नमाज जैसी इबादत में भी सहाबा इकराम कैसी ताजीम करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसी ताजीम और कैसा एहतराम। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं सुम्मा तमस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिकन, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर हंसने लगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पर्दा उठाया, पर्दा उठाने के बाद फरमाते हमारी तरफ देखा, तो जब देखा तो हम लोगों ने देखा तो ऐसा लगा जैसे आपका चेहरा कुरान के वर्क की तरह है, फिर फरमाते हैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर हंसने लगे, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई। कैसे कैसे दीवाने थे नबी के, कैसे कैसे जान लुटाने वाले थे नबी के आशिक, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, अरे यूं लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। अब आगे देखें हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला का खुद अपना बयान, आप फरमाते हैं आप कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और जियारत से, ये हदीस के लफ्ज हैं, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं यही हदीस रिवायत करने वाले हैं, और आप फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और जियारत से नमाज की हालत में हम खुशी से दीवाने हो गए। जरा लफ्ज पे गौर कीजिए हजरत अनस बिन मालिक के, नमाज पढ़ रहे हैं नमाज की हालत में नबी को देखकर फरमाते हैं खुशी में दीवाने हो गए। अल्लाह अकबर, ताजीम हो तो ऐसी ताजीम हो नबी कि नमाज की हालत में इस तरह ताजीम। फरमाते हैं के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी और आपकी जियारत से नमाज की हालत में हम खुशी से दीवाने हो गए, फिर रसूलुल्लाह फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस गुमान से इस ख्याल से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं, फिर से सुनिए हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस ख्याल से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए तशरीफ ला रहे हैं पीछे हटकर सब में मिलने लगे। गौर करें आप, गौर करें अपना जहन जहन लाए तसव्वुर करें, कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं मुसल्ले इमामत पे है, पैगंबर इस्लाम के मुसल्ले पे है इमामत पे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला। हजरत अनस कहते हैं कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को यह ख्याल हुआ, आपको मालूम हुआ कि मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं, बताइए नमाज पढ़ा रहे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला, जब आपको लगा कि मेरे नबी मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं तो मुसल्ले इमामत से हट के सब में जाने लगे। क्या हमारी आपकी मजाल है कि हम आप हटे जहां पर नमाज पढ़ो, अगर हम आप हटेंगे तो नमाज फासिद हो जाएगी, मगर जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब को कायनात की चाबियां और कुंजियां दी हैं और मालिक को मुख्तार बनाया है, वहीं परवरदिगार आलम ने शरीयत के लिए भी आपको मालिक को मुख्तार बनाया है कि मेरा महबूब जिसको हलाल कह देगा वो हलाल होगा, मेरा नबी जिसे हराम कर देगा वो हराम हो जाएगा। क्या नहीं तुम्हें मालूम मेरे नबी ने ही फरमाया कि सोना मर्द के लिए हराम है
सुनाका, याद करो हजरत सुनाका को, सुनाका इब्ने जासम, जिनके बारे में मेरे आका ने पेश वही फरमाई थी, ऐ सुनाका तुम्हारे हाथों में सोने के कंगन होंगे। तो ये मेरे नबी है, शरीयत में भी मालिक और मुख्तार है, जिसके लिए जो चाहे हलाल कर दे, जिसके लिए जो चाहे हराम फरमा दे। हजरत अबूबकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस ख्याल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, मुसल्ला इमामा से हट के सब में मिलने लगे, सब में जाने लगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमा के सहाबा से कहा, हलचल मच गई, ताज्जुब होता है, मैंने जब हदीस पढ़ी मुझे ताज्जुब होता है कि सहाबा इकराम की ताजीम अपने नबी के लिए, वो भी ऐन हालत नमाज में, अल्लाह अकबर, वो भी ऐन हालत नमाज में कितनी बड़ी ताजीम, और कितने दीवाने, कितने बड़े आशिक थे वो, और जो नबी को अपना जैसा बशर कहते हैं उन्हें भी अपना गला झांकना चाहिए, उन्हें भी अपना गला झांकना चाहिए, अपने जमीन का मुहासमा करना चाहिए कि सहाबा की जिंदगी को देखो, तुम दूसरों को तो दर्श देते हुए नजर आते हो कि हम तो सहाबा की सीरत अपनाते हैं, सहाबा ने जो ऐसा किया वो हम करते हैं, सहाबा ने ऐसा नहीं किया तुम ऐसा क्यों करते हो। अरे तुम्हें ये भी तो दिख जाना चाहिए कि सहाबा ने आए हालत नमाज में नबी की ताजीम करके दुनिया को बता दिया कि मुस्तफा की ताजीम कर, मुस्तफा की ताजीम ही ईमान का दारोमदार है, मुस्तफा की ताजीम ही ईमान का दारोमदार है, मुस्तफा जाने दो आलम का एहतराम ही ईमान का दारोमदार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से इशारा फरमा के सहाबा से फरमाया, अतिमु सलातकुम, आपने फरमाया मेरे सहाबा तुम अपनी नमाजें मुकम्मल कर लो, किसी को हुक्म नहीं दिया कि तुमने अपने चेहरे घुमाए तो नमाज टूट गई, फासिद हो गई, अबू बकर तुम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए तुम्हारी नमाज टूट गई, किसी को नहीं, बल्कि आपने फरमाया अतिमु सलातकुम, अपनी नमाज पूरी कर लो, तुमने अपने नबी की ताजीम में ये सब किया है, तुम्हारी नमाजें फासिद नहीं होंगी, नमाजें अल्लाह कबूल करवा लेते हैं। पता ये चला कि अजमत मुस्तफा में गुम हो करके, अजमत मुस्तफा में गुम हो करके हम जब नमाज पढ़ेंगे तो यकीनन वो नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करवाए। फिर हदीस कहते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा में वापस चले गए और पर्दा गिरा दिया। उसी दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमाया। ये पूरी हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की,